अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यू आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम आए हैं जी लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे, और ये जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो पहले लोकेशन समझा देता हूँ कि ये बिल्कुल सामने जो है ये गेट नंबर 4 है। अभी ये चक 44 वाला जो रोड है, जो वहाँ से अभी जो एक लाहौर स्मार्ट सिटी की एक वाहिद एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस से जब हम अंदर आते हैं तो ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट से जैसे ही हम आगे आते हैं तो ये रिंग रोड के ऊपर जो है वो यहाँ से रोड जो है यहाँ से रिंग रोड स्टार्ट हो जाता है 100 फीट वाइड जो है। और ये वाला सारा जो एरिया है ये 4 मरला का कमर्शियल है, और डबल कमर्शियल्स हैं ये, फ्रंट और बैक साइड पे दोनों की तरफ कमर्शियल्स हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे, उस टाइम जो है वो यहाँ पे सीवरेज डल रही थी, और इस टाइम जो है वो यहाँ पे रोड्स जो है ये जगह सीधी हो रही है, बेड बन रहा है रोड का प्रॉपर, और ये साथ साथ ये जो रिंग रोड के साथ साथ जितना भी एरिया है वो सारा वहाँ पे भी इधर भी काम हो रहा है। तो अभी एक मुझे एक बड़ी शॉकिंग चीज़ जो है वो एक पता चली है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो सारा फोकस उनका जो है अभी इसी वाले इन कमर्शियल एरिया की तरफ है, और ये कमर्शियल एरिया इंशाल्लाह ताला ईद से पहले जो है वो आपको डिलीवर मिलेगा। और मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, और काफ़ी फास्ट ट्रैक पर जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है। और ये सारा जो है ये सामने जो है ये ग्रेवयार्ड है, और ग्रेवयार्ड के बिल्कुल साथ साथ जो है वो 2.5 मरला कमर्शियल, और ग्रेवयार्ड की परली तरफ जो है वो सारा 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल का एरिया है। तो ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया ये यहाँ से ले कर, मैं थोड़ा सा आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, ये सारा एरिया जो है ये सारा यहाँ से ले कर यहाँ तक ये सारे का सारा जो है वो कमर्शियल है। और सामने जो है बिल्कुल यहाँ पर इधर गेट नंबर 4 है जहाँ से सोसाइटी के अंदर हम लोग जो है वो एंटर होते हैं, और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है ये सारे का सारा जो एरिया है ये सारा डिलीवर हो जाएगा। और डिलीवर से मुराद ये है कि सारी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। और थोड़ा सा मैं आपको आगे जा के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा डिवेलपमेंट का काम। यहाँ पर बिल्कुल सामने जो है वो सेक्टर ए है, सेक्टर ए के अंदर काम हो रहा है, ये सारी ज़मीनें जो है ये फ्री हो गई हैं, गंदम कट गई है, अब यहाँ पर जो है वो डिवेलपमेंट स्टार्ट होगी सेक्टर ए के अंदर। और ये सारा जो एरिया है ये यहाँ पे काम हो रहा है, ये सारा 4 मरला का एरिया है जी, फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे 4 मरला की कटिंग है। और नक्शे में भी अगर आप देखेंगे तो एक चौरस सा बॉक्स है, उसके साथ से जो है वो 4 मरला 8 मरला शुरू होता है, तो वो जो चौरस सा बॉक्स है वो ये सामने जो है वो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड के बिल्कुल साथ जो है ये कमर्शियल है, कमर्शियल एरिया। ये सारा ये सारी जो लाइन है ये डबल कमर्शियल्स हैं, 4 मरला और 8 मरला ये कमर्शियल्स, और इसके साथ ही पिछली तरफ जो है 2.5 मरला और 6 मरला के जो कमर्शियल्स हैं वो भी ईद से पहले जो है वो इन्होंने हैंड ओवर करना है सोसाइटी को। और बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पे जो है वो कमर्शियल्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर कमर्शियल्स जो हैं वो बाय किए हुए हैं। प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी कहीं पर भी जो है वो आपको लॉस नहीं देती, सिर्फ इसके अंदर जो है वो आपको अपनी बाइंग पावर दिखानी होती है। इस टाइम जो इकॉनमी जो है वो स्ट्रेस में है, और बहुत सारे जो है वो महंगाई हुई हुई है, और काफ़ी सारी जो है वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो बाइंग पावर लोगों की कम हुई हुई है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हैं थोड़ी सी डिवेलप होंगी तो ये आपको जो है यहाँ पर सारी जगह पर एक बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ये सारे वो कमर्शियल मार्केट बनेगी, कमर्शियल एरिया बनेगा, क्योंकि सेक्टर बी जो है सेक्टर बी को भी ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला पोजेशन दे दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। ये चीज़ें भी हमने सुनी है कि ईद के बाद जो है वो सेक्टर बी पूरे को जो है वो पोजेशन मिल जाएगा, और उसके साथ ही जो है ये पोजेशन का सोच रहे हैं 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल जो कि इस तरफ सेक्टर बी के बिल्कुल सामने बनता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जी, एक मतलब के सेक्टर बी में अभी कुछ लोगों की पेमेंट्स जो है वो कंप्लीट हुई हैं, कुछ की अभी रहती हैं। तो ये जो 2.5 मरला 6 मरला कमर्शियल है यहाँ पे तो लोगों ने ऑलमोस्ट कोई 35% दे के जो है वो प्लॉट नंबर ले लिया था। तो उसके बाद ये 4 मरला जो कमर्शियल है ये भी फर्स्ट बैलेट के अंदर हुआ था, और कब सारे लोग हैं जिनकी पेमेंट्स कम्प्लीट हो गई हैं, कुछ की पेमेंट्स अभी कम्प्लीट नहीं हुई। तो पेमेंट्स तो चलती रहेंगी साथ साथ, लेकिन सोसाइटी जो है वो
उनकी पेमेंट्स कंप्लीट होने से पहले जो है वो डिलीवरी का सोच रही है कि हम पेमेंट्स कंप्लीट होने से पहले जो है वो चीज़ों को डिलीवर करें ताकि लोग यहाँ पे आके रहें, यहाँ पे फुटफॉल क्रिएट हो। सबसे ज़्यादा जो लैग कर रही है सोसाइटी, इस चीज़ में लैग कर रही है कि यहाँ पे फुटफॉल नहीं क्रिएट कर पा रही किसी भी तरीके से जो है वो सोसाइटी, यहाँ पे जो लोगों का आना जाना है उसको नहीं क्रिएट कर पा रही। अगर सोसाइटी उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम कर ले और लोगों को यहाँ पे जो है वो लोगों का फुटफॉल यहाँ पे क्रिएट हो, तो देन जो है वो यहाँ पे प्राइसेस के अंदर जो है वो एक अच्छा जंप जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये जी छोटी सी एक अपडेट चारमल्ला कमर्शियल्स के बारे में, जो सेक्टर ए और सेक्टर बी के बिल्कुल अपोजिट हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं और काफ़ी टाइम लगता है, एफ़र्ट्स लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो हमें भी जो है वो थोड़ा सा हौसला हिम्मत मिलती है और हम भी जो है वो आपके लिए साइट के ऊपर आके तो आपको हर चीज़ जो है वो दिखा रहे होते हैं। सो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।